बहुत स्वागत है आप सभी भाइयों का एक बार फिर से हमारे चैनल स्काई कार पे। आज आपके सामने नेक्सॉन काजीरंगा एडिशन का बहुत ही बेहतरीन मॉडिफिकेशन लेकर हम हाजिर हैं। बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें अपग्रेड की हैं। ऑल दो ये टॉप मॉडल होता है, बट फिर भी इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है वो रिक्वायर्ड हैं। वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा हमने इस गाड़ी में क्या लगाई है। सबसे पहले हमने इसकी हेडलाइट अपग्रेड की है, जो कि आपको पता है टाटा की सारी गाड़ियों में जो कंपनी फिटेड लाइट आती है, जो हलोजन आता है, वो इतना बढ़िया लाइट नहीं देता। लो बीम में हमने इसमें 130 वॉट की एलईडी और हाई बीम में हमने 72 वॉट की एलईडी लगाई है। कोई भी वेरिएंट हो नेक्सॉन का, चाहे आपके पास बेस वेरिएंट है या टॉप वेरिएंट है, हेडलाइट अपग्रेड कराना जो एक बहुत ज़रूरी है। आज भी आपको दिखाना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं हमारे पास कितनी सारी नेक्सॉन लाइंड अप हैं। आप देख सकते हैं 6 या 7 नेक्सॉन आपके सामने खड़ी हुई हैं, वहाँ तक गाड़ियाँ हमारे पास लगी हुई हैं। यहाँ आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि सिर्फ टाटा का ही स्पेशलाइज काम हमारे यहाँ पे होता है। ऑल ओवर इंडिया से हमारे पास गाड़ियाँ आती हैं नेक्सॉन मॉडिफाई होने के लिए, पंच भी आती है। आज हमारे पास बिहार से भी गाड़ी ऑल द वे ड्राइव होके आई हुई है। अभी वो गाड़ी भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी हम इस गाड़ी के मॉडिफिकेशन की बात कर रहे थे। फ्रंट पे हमने नेक्सॉन की बैजिंग लगा दी है ग्लॉस ब्लैक के अंदर, बिकॉज इस गाड़ी में काजीरंगा एडिशन में ब्लैक ग्लॉस का कॉम्बिनेशन कंपनी ने रखा है, उसी के साथ में हमने भी उसको मैच कर दिया है। और कुछ छोटी कॉस्मेटिक एक्सेसरीज लगाई हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। साइड पे हमने डोर वाइज़र लगा दिए हैं क्रोम लाइन वाले, काफ़ी बढ़िया रहता है ये। साइड की बीडिंग लगा दी है इसके अंदर हमने क्रोम वाली, और साथ में हमने फुटरेस्ट भी मैच कर दिया है क्रोम के साथ में। फुटबॉल डिज़ाइन का हमने इसके अंदर साइड फुटरेस्ट लगाया, काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ है। और बेनिफिट इसका ये रहता है कि गाड़ी चलाते वक्त कभी जैसे आप कंजस्टेड एरिया में जाते हैं, तो ये फुटरेस्ट प्रोटेक्ट करता है आपकी गाड़ी को स्क्रैचेस से। एक ये बहुत बढ़िया खास चीज़ है, ये भी हमने इसमें लगा दिया। छोटी छोटी चीज़ें लगाई हैं। बैक साइड पे हमने बम्पर सील प्लेट लगाई है इसमें, रियर फॉग लैंप लगाया है। हाईवे पे बहुत अच्छा असिस्ट करता है, फॉग के अंदर बहुत बढ़िया काम करता है। रियर फॉग लैंप का ये बेनिफिट रहता है कि जैसे धुंध का मौसम है, तो आप इस रियर फॉग लैंप से काफ़ी अच्छा आपको पीछे आने वाली गाड़ी को असिस्ट कर सकते हैं कि गाड़ी हमारी फॉग में चल रही है। तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ लगाई है। अभी गाड़ी का काम चल रहा है, और कुछ चीज़ें लगाई हैं वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। RGB लाइट लगा रहे हैं हम इस गाड़ी के अंदर, आपको दिखाता हूँ RGB लाइट की कितनी बढ़िया फिनिशिंग है। हर चीज़ बहुत बढ़िया और प्रोफेशनल तरीके से हम करते हैं, हमारे यहाँ पे कोई जल्दबाजी का काम नहीं है। आप देख सकते हो अभी हमारे पास कितनी सारी नक्शों लगी हुई हैं। वेलकम प्लेट लगाई है इसके अंदर हमने विदाउट लाइट, फ्लोरिंग कर रहे हैं 70 वाली। आप फिनिशिंग देखिए फ्लोरिंग की कितनी ज़बरदस्त है। तो बेसिक चीज़ें हमने इस गाड़ी के अंदर अपग्रेड करी हैं, जिसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। सीट कवर आप ये देखिए कंपनी से कितना बढ़िया, ये सीट कवर इसके टॉप मॉडल में लग के आता है वेंटिलेटेड। सर ये वेंटिलेटेड सीट कवर है, इसमें से हवा आती है? आपने यूज़ करके देखा है? आगे वाली दोनों वेंटिलेटेड, दोनों वेंटिलेटेड हैं, मतलब गर्मी में फ़ायदा देती है। तो ये अभी कस्टमर जिनकी गाड़ी है वो बता रहे हैं जो ये इनकी वेंटिलेटेड सीटें हैं आगे वाली। अभी हमने एक सीट यहाँ वाली खोली हुई है, वो बाहर पड़ी है, मैं आपको दिखाता हूँ, वो उधर बाहर पड़ी हुई है। इसके अंदर फैंस लगाए हुए हैं कंपनी ने, तो गर्मियों के दिनों के अंदर जैसे पसीना आता है, तो एक ये बहुत बढ़िया चीज़ रहती है, आपको पसीना नहीं आने देगा, आपको AC की हवा जो है आपको बैक पे मिलेगी। तो ये हमारी मॉडिफिकेशन है, साथ में कंपनी का हरमन का प्लेयर है। डैम्पिंग भी कर दी है हमने इस गाड़ी में, अभी डोर पैनल्स बंद हो गए हैं, दिखाता हूँ डैम्पिंग कैसे होती है। ये देखिए ये बेस मॉडल है, इसके अंदर हम डैम्पिंग कर रहे हैं। इसका ये टॉप मॉडल है, इसके कंपनी के जो ओरिजिनल स्पीकर्स हैं उसमें भी साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं आई, तो हमने डैम्पिंग कर दिया। एक बार अंडर सीट दिखाना राजू, दिखाना ज़रा। साथ में हमने इसके अंदर एक अंडर सीट वूफर भी लगाया है ब्लॉपंग कंपनी का, मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि कंपनी की जो ओरिजिनल स्पीकर्स हैं उसमें इतनी बढ़िया साउंड नहीं आती, तो ब्लॉपंग का हमने इसके अंदर अंडर सीट वूफर लगाया है। 10 इंच का इसके अंदर वूफर होता है, और साथ में एक्टिव होता है, इसमें एम्पलीफायर कंपनी का बिल्ट इन आता है। ये देखिए ये एम्पलीफायर वगैरह सब बिल्ट इन है, बहुत बढ़िया क्वालिटी की। इसके अंदर हमने कॉपर वायर यूज़ की है, और सब चीज़ें जो हैं हमने बिल्कुल कंपनी के नॉर्म्स के हिसाब से विदाउट
एनी वायर कटिंग हमने प्लग एंड प्ले कर दी है। तो ये मॉडिफिकेशन है आज की हमारी काजीरंगा एडिशन का। आप देख सकते हैं कितनी सारी बढ़िया बढ़िया हमने इसमें चीज़ें लगाई हैं। कंप्लीट गाड़ी जब हमारी बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी तो एक बार आपको फाइनल लुक फास्ट फॉरवर्ड में मैं ज़रूर दिखाऊंगा। अभी तो जो चीज़ें हमने लगाई हैं वो आपके सामने हैं और वर्क इन प्रोग्रेस है। डैम्पिंग कर दी है हमने इस गाड़ी के अंदर, म्यूज़िक सिस्टम को काफ़ी बढ़िया तरीके से हमने इसको अपग्रेड किया है। हेडलाइट का जो अपग्रेड किया है मैं उसका भी आपको एक बार आउटपुट चेक करा देता हूँ। 130 वॉट की हमने इसके अंदर LED लगाई है लो बीम के अंदर, और हाई बीम के अंदर हमने 72 वॉट डाला है। आप देख सकते हो डे टाइम में भी कितनी बढ़िया इसकी आउटपुट आ रही है रोड के ऊपर, चाहे आप हाईवे पे गाड़ी ड्राइव करते हो या हिल्स के ऊपर। ये लाइटिंग का आउटपुट आपको करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज लो बीम में तो बिल्कुल आउटपुट नहीं आता टाटा कार्स के अंदर, चाहे कोई भी गाड़ी हो आपके पास, इवन सफारी या हैरियर भी हो। तो ये एक बहुत बढ़िया अपग्रेड हमने इसके अंदर किया है लाइटिंग का। 1 ईयर की वारंटी मिलती है आपको इस सेटअप के अंदर। कुछ और बड़ी खास चीज़ें हमने अंदर लगाई है, आप ये देख सकते हैं कि 70 मैट हमने कितना बढ़िया लगाया है। बिल्कुल हमने पूरा 70 मैट को कस्टमाइज़ करा दिया है नेक्सॉन के लिए। आपको फिटिंग और पूरी क्लच की वगैरह या एक्सेलरेटर की पैडल की पूरी फिटिंग मिलेगी, हिलेगा नहीं। इसके अंदर सारे क्लिप्स लगे हुए हैं दोनों तरफ, यहाँ पूरी क्लिपिंग हुई हुई है। मैं आपको थोड़ा सा क्लोजली दिखाता हूँ, आप ये देखिए ये क्लिप्स लगे हुए हैं। ये क्लिप्स जो लगते हैं वो हम पैनल के अंदर कर देते हैं ताकि ये मैट जो है वो स्लिप ना हो। फ्लोरिंग के ऊपर अक्सर आप 70 मैट लगाते हैं तो मैट स्लिप होता है आगे पीछे, बड़ा अनकंफर्टेबल होता है, बहुत इरिटेटिंग हो जाता है मैट जिस टाइम आप यूज़ कर रहे हो वाइल ड्राइविंग। बट जो हम मैट आपको लगा के देंगे, हम आपको ऐसा मैट लगा के देंगे जिसके अंदर आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैट किसी भी तरीके से स्लिप नहीं करेगा या आगे पीछे खिसकेगा नहीं। ये छोटी छोटी बातें हमारे पास आपको ऐसी मिलेंगी जो कि वाकई में आपका गाड़ी का मॉडिफिकेशन स्काई कार पे कराने का एक्सपीरियंस बिल्कुल चेंज कर देगी। सीट कवर लाजवाब हैं, कंपनी फिटेड हैं बट देखने में बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। वॉलनट कलर के अंदर हैं, ऐसा कलर हमने भी कई बार लगा के दिखाया है आपको गाड़ी के अंदर। RGB एम्बिएंट लाइट भी इसके अंदर हमने लगाई है। सबसे पहले मैं आपको इसकी फिनिशिंग चेक करा देता हूँ। आप ये देखिए कितनी इवनली हमने इसके अंदर इसको इंस्टॉल किया है, कोई आपको रफ एजेस नहीं मिलेंगे। सामने डैशबोर्ड पे भी लगा दिए, 6 पीस वाली हमने इसके अंदर RGB लाइट लगाई है कार्डी कंपनी की, जिसको आप ऐप से कंट्रोल कर सकते हैं। पहले मैं आपको उसका पूरा लुक दिखा देता हूँ। बैक साइड पर भी लगाई है हमने, चारों डोर्स पर और सामने डैशबोर्ड पर लगाई है। इसके अंदर अगर आपको फुट वाली चाहिए वो भी मिल जाएगी, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। इसके अंदर हमने 6 पीस वाली लगाई है और इसको आप ऐप से कंट्रोल कर सकते हैं, एक काफ़ी अच्छी एम्बियंस बन जाती है गाड़ी के अंदर। ये देखिए ये ऐप होती है इसकी, और इस ऐप से आप कोई भी कलर करना चाहें वो कलर आपको मिल जाएगा इसके अंदर। जैसे भी आप देखिए मैं अलग अलग कलर कर रहा हूँ, ये देखिए तो ये भी एक बहुत बढ़िया मॉडिफिकेशन है। RGB एम्बियंस लाइट आप लगा सकते हैं अपनी गाड़ी के अंदर, जिससे आपकी गाड़ी का अंदर का इंटीरियर जो है वो बहुत मस्त हो जाता है। गाड़ी का लुक जो कंपनी से स्टॉक आया और हमारे मॉडिफिकेशन करने के बाद बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हमने अपडेट की हैं, बट डुअल टोन ये आप देख सकते हैं ये कंपनी से ही सेम ऐसी आती है। रूफ पे आपको डुअल टोन दिख रहा है ब्लैक ग्लॉस कलर की, इसके अंदर कंपनी से रैपिंग होकर आती है। अगर यही सेम थीम आप अपने किसी भी कलर के नेक्सॉन में कराना चाहें तो आप करा सकते हैं। ये राइनो का जो इसके अंदर एम्बलम है कंपनी से ही लग के आता है, और आप ये देखिए ग्लॉस ब्लैक थीम जो है इस गाड़ी में कितना ज़बरदस्त लग रहा है। एलॉय व्हील भी इसके अंदर ब्लैक टोन के अंदर आए हैं, जैसे डार्क एडिशन के अंदर आते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो डुअल टोन थीम कंपनी ने इसके अंदर रखा है, जैसे ये गोल्डन टच आप इसको देख सकते हैं या शैम्पेन कलर आप इसको कह सकते हैं, उसके साथ में इन्होंने ग्लॉस ब्लैक का टच रखा है और ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन और बहुत ही बढ़िया इसके अंदर ओवरऑल जो गाड़ी की गेटअप है और गाड़ी का जो लुक है वो देखने से ही आपको पता लग रहा है कि एक नेक्स्ट लेवल वाली फीलिंग है।
आशा करता हूँ आपको आज का हमारा मॉडिफिकेशन बहुत अच्छा लगा होगा और पसंद आया होगा। बहुत दिल से हमने ये गाड़ी रेडी की है। कुछ खास बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने इस गाड़ी के अंदर लगाई हैं, जो कि इस गाड़ी के टॉप मॉडल को ख़रीदने के बाद भी बहुत ज़रूरी हैं और काफ़ी गाड़ी का लुक जो है वो जो गेटअप है अपडेट कर देती है गाड़ी को। तो मिलते हैं आपको एक बहुत बढ़िया नई नेक्स्ट अपडेट के साथ में। काजीरंगा एडिशन इज टुडे मॉडिफाइड बाय स्काई कार और बहुत अच्छा गाड़ी का लुक आ गया है और सारी चीज़ें जो हैं हमने इसके अंदर बहुत ही बढ़िया और काम की लगाई हैं। मिलते हैं आपको एक नई नेक्स्ट अपडेट के साथ में, नए मॉडिफिकेशन के साथ में, नई चीज़ों के साथ में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।